आज के रेट में चाहता हूँ सर आप डिस्काउंटेड रेट। बिल्कुल, स्टॉक के साथ में आता है, कंपनी के साथ में आता है, कंपनी फिटेड सीएनजी है। छोटी गाड़ियाँ भी हमने खरीद के रखी है। हाँ, हमें और फर्स्ट ओनर गाड़ी जी। ये पार्टी वाली आएगी, इसके अंदर आपको 50,000 40,000 में भी डाउन पेमेंट में भी काम हो जाएगा। Hey friends, hello everyone, welcome to MS20 Auto, MS20 के ऊपर छोटे कमर्शियल व्हीकल लेकर मैं पार्ट टू के अंदर आ चुका हूँ। पर मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो चुका है, यहाँ पर वन साइड जब देखते हो ना तो यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे छोटे कमर्शियल व्हीकल यहाँ पर लगे हैं, बढ़िया बढ़िया 407 भी उसके अंदर नज़र आ रहा है। और इस साइड में अगर मैं देखता हूँ ना तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कार्स लगी है। इसके अंदर मेरे को जेन एस्टिलो भी अच्छी लगती है क्योंकि वो रेड कलर के अंदर है। इवन तो i20 भी है, बोलेरो जो लोग मेरे को 7 सीटर मांगते हैं 10 सीटर मांगते हैं उनकी बोलेरो भी वहाँ पर अवेलेबल है। ये दोनों का ब्लॉग मैं साथ में तो करना नहीं चाहता था, मगर मेरे को लगता है मैं शुरुआत कर लूँगा कार की तरफ से। कार थोड़ी शॉर्टकट में निपटाऊंगा और उसके बाद डायरेक्टली हम जाएंगे छोटे कमर्शियल व्हीकल की तरफ। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर ओम साई मोटर्स का बोर्ड आप लोग देख पा रहे हो, ओम साई मोटर्स यहाँ पर मैं आया हूँ। ओम साई मोटर्स के ऊपर बाईपास में जब भी आता हूँ ना तो हर्षांक सर से मुलाकात कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सर वेलकम टू ऑट MS20। ये रहे हर्षांक सर जो कि आज के ब्लॉग को होस्ट करेंगे। आज के रेट में चाहता हूँ सर आप डिस्काउंटेड दें। बिल्कुल डिस्काउंटेड देंगे। यस, और मैं ये बता रहा था आपको कि जितनी भी सारी गाड़ियाँ हैं ना यहाँ पर हमें छोटे कमर्शियल व्हीकल के पास जल्दी जाना है क्योंकि वो ही मैं डेडिकेटेड ब्लॉग बना रहा हूँ। ये जो हमारी कारें हैं ना इनको फटाफट कवर कर लेंगे फास्ट में और फिर वहाँ चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग जाते हैं। तो ये पहली बोलेरो है जो कि मैं यहीं से बोल सकता हूँ कि ये लॉन्ग बोलेरो है। लॉन्ग बोलेरो प्लस है, 2013 मॉडल गाड़ी है। इसका ऑफर कोड क्या है? 4.5 लाख। निगोशिएट हो जाएगा 4.5 लाख रुपये। ये गाड़ी डीजल के अंदर डीजल में ही आती है, मगर फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आगे जब हम गाड़ी देखते हैं रेट निगोशिएबल रहेंगे, ठीक है। ये वैगन आर 2018 मॉडल गाड़ी है, पेट्रोल प्लस सीएनजी। ओके, पेट्रोल प्लस सीएनजी, कंपनी फिटेड सीएनजी है। हाँ, 4,50,000 कोट किया है, निगोशिएट हो जाएगा। 18 मॉडल गाड़ी है। तो ये वाला होगा सीन। उसके बाद में सामने आते हैं, ये Hyundai की i20 एस्टा टॉप एंड गाड़ी है। लाइट है वर्जन, ध्यान में रखना, ज़्यादा पसंद आता है लोगों को। 2017 मॉडल गाड़ी है, इसका ऑफर कोट किया है हमने 7 लाख रुपए, निगोशिएट हो जाएगा। मैनुअल है? मैनुअल डीजल है, मतलब 20-22 का माइलेज पकड़ के चलिएगा। बाकी अच्छी गाड़ी है, बेज कलर का इंटीरियर, अंदर से थोड़ा ब्लैक भी है। आगे जब आती है ना यहाँ पर एस्टिलो आती है, जो छोटी छोटी साइज़ की गाड़ी है जिनको पार्किंग का थोड़ा सा टाइट स्पेस होता है ना उनके लिए होती है। सिटी में जिनको ज़्यादा कार में ही घूमना है उनके लिए ये गाड़ी होती है। बताइए ये जेन एस्टिलो 2008 मॉडल गाड़ी है जी, और कंडीशन इसकी ओरिजिनल है, आर्ट्स की है फिर भी ओरिजिनल है और फर्स्ट ओनर गाड़ी जी। इसका ऑफर रखा है हमने 1,05,000 रुपये। बस आर आर करके दे देंगे, मतलब 5 साल के लिए और ज़्यादा परमिट मिल जाएगी रोड पे चलाने की। 1,05,000 बोल रहे हैं, बाकी निगोशिएट करना आपका काउंटर रहा। पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी आती है, राइट? पेट्रोल प्योर पेट्रोल है। ना सीएनजी ना एलपीजी, कुछ भी नहीं किया है बाहर से। वैसे कोई काम का नहीं होता बाहर से, अगर करते हो ना आप लोग तो बहुत बार आरटीओ पकड़ता है तो आपको फाइन मार देता है क्योंकि वो अलाउड नहीं है, इलीगल होता है। ये वाली जो गाड़ी है प्योर पेट्रोल है, आपके लिए अच्छी रहेगी। वैसे भी पेट्रोल में 18-19 का एवरेज दे डालती है, आराम से देती है। आगे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये मोबिलियो है, ये मोबिलियो वैसे तो सर के पर्सनल यूज़ के लिए सर ने रखी थी, मगर अभी सर को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, ऑलरेडी सर के पास एक नई गाड़ी आ चुकी है। तो सर बताइए, ये 2014 मॉडल मोबिलियो है। ओके, इसका ऑफर रखा है हमने 4.5 लाख रुपये, नेगोशिएट करके दे देंगे। टायर न्यू टायर है और एसी वगैरह सब कुछ वर्किंग है, टोटल वर्किंग गाड़ी रहेगी। ये इसकी डिटेल दे दी हमने, सारों में भाव होने वाला है, लोन भी सारों पे हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला व्हीकल यहाँ पर जो आता है ना वो हम लोग देखेंगे। अभी छोटे कमर्शियल व्हीकल की शुरुआत हो जाती है, टाटा मेगा। अभी मेगा ये कॉम्पिटिटर है मेरे को लगता है अपना जो अशोक लेलैंड है उसको है, राइट? ये मेगा है टाटा की, 2016 मॉडल गाड़ी है जी। इसके पेपर सारे 1 साल के मिल जाएंगे। हाँ, और इसका ऑफर कोट के हमने 2,50,000 निगोशिएट हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा। चलो, ये छोटी गाड़ियाँ भी पूरी की पूरी हम ओन करते हैं या फिर हमारे पास कुछ डीलर का स्टॉक भी लगता है क्या सर? छोटी गाड़ियाँ भी हमने खरीद के रखी है या? हाँ, हम ही खरीदते हैं सब, प्रॉपर अपनी है, कोई डीलर का काम ही नहीं। ये डीलर का भी होता है, कुछ फ्रेंड, एक दो फ्रेंड्स हैं उनके भी कुछ माल होता है, वो भी लगाते हैं।
कमीशन बेसिस पे ठीक है चलो। ये बताना, ये 2019-20 कच्चा पक्का मॉडल है, इसका ऑफर कोड क्या है? 2,25,000। ओके, 2,25,000 रुपये ऑफर किया है, निगोशिएट हो जाएगा अभी। ये दोनों डीजल है? डीजल। आज के स्टॉक की पूरी गाड़ी डीजल? पूरी गाड़ी डीजल है। पूरी BS4 रहेगी? पूरी नहीं, कुछ BS3 है, कुछ BS4 है। ठीक है, BS3 BS4 एडजस्ट हो जाएगा, मगर BS6 आएगी तो बता। ठीक है, BS6 आएगी तो स्पेशल ही बता। बिल्कुल बता कि BS6 के चाहिए थोड़े स्पेशल होते हैं, उनको BS6 बता के देना पड़ता है। ठीक है, ये वाली गाड़ी का आपने रेट बता दिया, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। भाव ताव होगा मैं बता दूँ, यहाँ पर ये वाली गाड़ी फिर से आती है एक बार। ये जीतो, महिंद्रा की जीतो है, बहुत फेमस गाड़ी है। ये 716 मॉडल बोलते हैं उसको, जीतो की 716। ये 2017 मॉडल गाड़ी है, पेपर सारे क्लियर है। हाँ, और इसका ऑफर रखा है हमने 2,90,000 रुपये। ओके, 2,90,000 रुपये में दे दोगे आप? 2,90,000 के अंदर निगोशिएट कर लेना। मगर देखो, मैं भावताव करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, 50 बार बोलता हूँ कि गाड़ी आने के बाद पहले गाड़ी कैसी है चला के देखिएगा। गाड़ी के मेजर मेंटेनेंस जो पार्ट होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी के टायर वायर, वो चेक, उनकी कंडीशन देखिएगा। अंदर गाड़ी का इंजन कैसा है देखिएगा। कैबिन में आपको जितना स्पेस चाहिए है आपके काम के लिए, उतना है क्या वो देखिएगा। पैसे तो कम ज़्यादा होते रहेंगे, अच्छी गाड़ी लोगे तो लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर पाओगे, यही मैं बोलना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो सर, ये वाली गाड़ी का तो हमने दे दिया, मगर मेरे को एक बताना, इस पे लोन होगा क्या? लोन हो जाएगा ना। कितना डाउन पेमेंट होगा? डाउन पेमेंट कम से कम 60,000 रुपये भरना पड़ेगा। अरे, 60,000 से डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा इसका भी, चलो कोई बात नहीं। ये वाली भी गाड़ी होगी। यहाँ पर आते हैं तो ये गोल्ड लाइट देख के मैं समझ गया, ये टाटा एस गोल्ड है। ये टाटा एस गोल्ड है, ये BS6 में है जी। 2021 का मॉडल है जी, और 4,25,000 कोट कर रहे हैं, पेपर सारे क्लियर मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 50,000-40,000 में भी डाउन पेमेंट में भी काम हो जाएगा जी। 50,000-40,000 में भी काम हो जाएगा। अभी ये गाड़ी का फाइनल कितना? इसका फाइनल आपको मिल जाएगा 3,90,000। 3,90,000 में फाइनल मिल जाएगी, चलो कर ली बात। BS3 BS4 कुछ तो BS6 ये वाला गाड़ी है क्या? सिर्फ वो वाला गाड़ी BS6 है जो गोल्ड था, बाकी आप पूरे BS3 BS4। ये गाड़ी है टाटा एस, 2016 मॉडल गाड़ी है, BS4 में आएगी। इसका कोट किया हमने 2,90,000 रुपये, निगोशिएट हो जाएगा। ओके, 2,90,000 बोला है, निगोशिएट हो जाएगा। ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है हाईटेक बॉडी के साथ में है। यहाँ पर कोई भी पैक डब्बा नहीं है, पहले बता दूँ मैं आपको। अगर आप ब्लॉग देख रहे हो यहाँ तक के और आपको पैक डब्बा ही चाहिए, तो आज के ब्लॉग में ये वाला सेशन नहीं मिलेगा। इसका बताना, ये है अशोक लेलैंड दोस्त। अशोक लेलैंड दोस्त 2019 मॉडल गाड़ी है, और पेपर सारे क्लियर है। इसका ऑफर कोड किया है 5,75,000। लोन हो जाएगा, निगोशिएट भी होगा। लोन भी होगा, निगोशिएट भी होगा। 5,75,000 बोला है। यहाँ पर ये जो घास आपको नज़र आ रही है, ये सारी आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है अंदर से। मालूम है क्यों? क्योंकि यूजुअली ना इसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है नीचे का डैशबोर्ड। इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कारों में भी होता है, सब होता है, इसीलिए ये लोग ये वाला प्लांटेशन कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर रिफ्लेक्शन ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना बढ़े धूप के अंदर। बराबर, तो ये होगी बात इस गाड़ी के बारे में। ये इसमें पाटा और सस्पेंशन दो आइटम। हाँ, ये पाटे वाली है। हाँ, ये एक बताना रहेगा, ये पाटे वाली गाड़ी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। फिर से पाटा सस्पेंशन का खेल चालू ही है अभी तक के, बताइए इसका क्या है पाटा? ये पाटे वाली आएगी, बोलेरो। ये बुलेरो पिकअप FB बड़ा गाड़ी है ये। यस, ये 2015 मॉडल गाड़ी है। इसका ऑफर कोड किया है 5,50,000, निगोशिएट हो जाएगा। 5,50,000 में भी निगोशिएट हो जाएगा। बड़ा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है। ये वाली गाड़ी FB है, राइट? FB गाड़ी है। जिनको जानकारी नहीं है वो उनको बता दूं मैं, इसके अंदर मैक्सी ट्रक आता है, FB आता है, और कई सारे छोटे मोटे टाइप्स आते हैं, तो उनका थोड़ा सा जायज़ा लीजिएगा। इसके अंदर सस्पेंशन और पाटा दोनों भी आते हैं। अगर आप ज़्यादा हेवी सामान, जैसे कि दिखने में छोटा दिखता है मगर सीमेंट के बैग जब आप कैरी करते हो ना, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा। उन गाड़ी के ऊपर सस्पेंशन के ऊपर ये गाड़ी है उतनी नहीं टिक पाती, अगर उतना ज़्यादा वेटेड आपका काम है तो। मगर पाटे वाली गाड़ियाँ कहीं भी सस्टेन कर सकती है, तो पाटे वाली गाड़ियाँ मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा अगर आपका हेवी ड्यूटी काम है तो। तो सर, ये वाली गाड़ी का बता दिया हमने, आगे जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो गाड़ी है, यहाँ पर हमारे पास जोड़ी हुआ करती थी, सिंगल टायर डबल टायर वाली, मगर अभी ये एक चली गई, अभी एक बाकी है, बताइए इसका। ये 2017 मॉडल 407 है, डबल टायर में है ये। हाँ, डबल टायर में 2017 का है। 7,25,000 कोट किया है, निगोशिएट हो जाएगा। ओके, 7,25,000 कोट किया गया है, निगोशिएट हो जाएगा। MH 43 3927 नंबर है गाड़ी का, ध्यान में रखिएगा। ये गाड़ी में इंटरेस्ट है तो सर ने क्या रेट बताया। बाकी इस गाड़ी की खासियत मैं बताऊँ आपको, अलग अलग तरीके की बॉडी टाइप्स आते हैं ना, तो वो वाले बॉडी टाइप्स गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। ये हमारे ब्लॉक की आखिरी गाड़ी है, एक बार इधर आना, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। यहाँ पर जो बैक साइड में आपको नज़र आ रहा है ना,
तो ये स्टॉक वाला यहाँ पर बॉडी लगाया गया है, इसके मतलब बॉडी लगाया नहीं गया, ये स्टॉक के साथ में आता है, कंपनी के साथ में आता है। इसके ऊपर आप कोई भी बॉडी इंस्टॉल करवा सकते हो, मतलब पुराना बॉडी निकालो, उसको सेल करो, फिर नया बॉडी लगाओ। ये फैब्रिकेशन के डाग आपको दिखेंगे, वो वाला आइटम नहीं रहेगा। आपको जो भी लगाना है ना, वो आप पहले से ही लगा पाओगे। लाइक के शोरूम ये गाड़ी वैसी की वैसी रखी गई है, और आपको ऐसी की ऐसी यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर पाओगे। बाकी हर्षांक सर, ये वाली गाड़ी की डिटेल तो मैंने दे दी, बस मेरी एक ही बात आप मानिएगा, थैंक यू सो मच तो बोल रहा हूँ मैं आपको, मगर जो भी मेरे भाई आपको कॉल करेंगे, सबको गाइड करना अगर उनको फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर यहाँ पर आने के बाद अच्छे से असिस्ट करना, क्योंकि कई सारे डीलर्स में आपकी बात नहीं करो, बहुत सारी जगह ऐसा होता है मेरे को कमेंट के अंदर बोलते हैं कि डीलर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है प्रॉपरली, डीलर हमसे बात नहीं कर रहा है प्रॉपरली। और दोस्तों मैं आपके लिए बात करूँ, आपको भी एक बात समझा दूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ ना गाड़ियों की, उतना ही मेरे हद तक के होता है। आप रेट को लेकर प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, हर बार आप करते हो, ये गलत बात है, मेरा और उससे कोई संबंध नहीं है। आपके डॉक्यूमेंटेशन की जो बात है, आपको मैकेनिकल चेक डॉक्यूमेंटेशन खुद के इस पर करना है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर रेट की जानकारी दे सकता हूँ, आपके लिए इनको डिस्काउंट मांग सकता हूँ, बाकी सारे काम आपको करने रेट, उसके लिए मेरे को मत जिम्मेदार ठहरा। रेट की बात ऐसी होती है, कुछ लोगों को लगता है कि कोई गाड़ी की रेट ज़्यादा है, कोई गाड़ी की कम है। अभी एक ही बात बोलूँगा मैं, 2019 मॉडल 11-14 अगर गाड़ी है, हाँ, तो मैं अगर बता रहा हूँ कोई गाड़ी की बता रहा हूँ 13 लाख रुपए, कोई गाड़ी की बता रहा हूँ 15 लाख रुपए, सेम मॉडल गाड़ी जी, पर गाड़ी की रेट उसके कंडीशन पे, ओरिजिनलिटी पे डिपेंड होती है। हाँ वो तो है सर, आप अगर बोलेंगे वो आदमी मेरे को 13 लाख में दे रहा है, तो गाड़ी की कंडीशन पे भी डिपेंड होता है। ओरिजिनल गाड़ी थोड़ी महंगी मिलेगी, और 19-20 गाड़ी है, एक्सीडेंट गाड़ी है, बनाई हुई गाड़ी है, तो वो सस्ती भी मिल जाएगी। जी सर वही तो, अभी यूजुअली क्या हो रहा है, कमेंट सेशन के अंदर लोग ये चीज़ों को लेकर झगड़ा करते हैं, और कभी बोलते हैं मेरे को ये बंदे ने डॉक्यूमेंट का ऐसा हुआ, मेरे ये गाड़ी के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे दूसरे डीलरों के बारे में कुछ कमेंट्स आते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर इसमें ये होता है कि मेरा काम वो नहीं है, मैं तो हर गाड़ी का इंजन चेक नहीं कर सकता। आपका बस स्टॉक दिखाने का काम है, कस्टमर को खुद आके गाड़ी चेक करना पड़ेगी, गाड़ी मतलब ओरिजिनल है या कुछ है, मैं सिर्फ डिस्काउंट या तक की बात कर रहा हूं, और लोग वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी व्यूअर्स कैसा लगा स्टॉक देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिलेगा। बाकी थैंक यू सो मच, आपको भी सर, आपको भी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।